मेरी आवाज आ रही सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है ना? सो यहाँ पे मैं एक बार चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली बार चार्ट में मैं शोकेस कर रहा हूँ कि विच सब कैटेगरी हैविंग द मोस्ट हाईएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, राइट? सो यहाँ पे जो ऑर्डर क्वांटिटीज मुझे शो कर रही है एंड मेरे पास जो सब कैटेगरीज की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, मतलब मल्टीपल सब कैटेगरीज है। सो विजुअल्स को और अच्छे तरीके से दिखाने के लिए मैं ऐसा कुछ यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगा सकता हूँ कि मुझे बस टॉप 5 ही सब कैटेगरी यहाँ पे दिखे जिनकी सबसे ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी हो। तो फिल्ट्रेशन कैसे लगाएंगे? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। फर्स्ट इज विजुअल लेवल फिल्टर कि मैं इस विजुअल पे फिल्टर लगा सकता हूँ। सेकेंड वन इज इस पेज के ऊपर फिल्ट्रेशन लगा सकता हूँ। एंड थर्ड वन इज रिपोर्ट लेवल फिल्टर। हो सकता है कि इस पावर बी आई रिपोर्ट में मेरे पास मल्टीपल पेजेस हो, अगर मैं रिपोर्ट लेवल फिल्टर लगाता हूँ तो वो फिल्टर्स पूरे रिपोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर पेज लेवल पे फिल्ट्रेशन लगाता हूँ तो रिपोर्ट जो होता है, ये फिल्टर जो होता है उसी पेज के रिगार्डिंग होता है, बस उसी पेज के लिए एप्लीकेबल रहेगा। एंड इफ अप्लाइंग विजुअल लेवल तो उसी विजुअल के लिए रहेगा। वो कहाँ पे रहेंगे? दिस इज द फिल्टर पेन। वो कहाँ पे रहेगा? मेरे व्यू सेक्शन के अंदर। यहाँ पे देखो फिल्टर पेन बाय डिफॉल्ट ऑन है तो यहाँ पे मुझे फिल्टर पेन दिखेगा। अगर मैंने उसको ऑफ कर दिया तो वो चला जाएगा। तो फिल्टर पेन मैंने ऑन कर दिया, अगर इसको एक्सपांड कर दिया तो यहाँ पे मुझे 3 टाइप्स के फिल्टर दिखेंगे। फिल्टर ऑन दिस विजुअल्स, फिल्टर ऑन दिस पेज एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। सो इफ आई ड्रैग सम कॉलम एंड अप्लाई ओवर हियर एड डेटा फील्ड्स हियर इस सेक्शन में तो फिल्ट्रेशन अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ईयर का एक कॉलम है मेरा, मैंने ईयर का कॉलम ड्रैग करके एड डेटा फील्ड्स जो होता है इस पे ड्रैग कर दिया एंड आई एम शोइंग बेसिक फिल्टरिंग। यहाँ पे मुझे ईयर की लिस्ट आ जाएगी। सो अगर मैंने यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन लगा दिया तो 2015 के लिए ही बस मुझे वो ऑर्डर क्वांटिटी शो करेगा। ठीक है, दिस इज हार्ड कोडिंग फिल्टर। ये फिल्टर्स आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब चेंज इन द सेंस कि जब मैं पब्लिश कर दूंगा इस रिपोर्ट्स को तो ये हार्ड कोडेड फिल्टर हो जाएंगे। इसको जो यूजर होगा वो यूजर चेंज नहीं कर सकता अगर आपने ये फिल्टर पेज बाद में हाइड कर दिया है। जब मैं रिपोर्ट्स को ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लाउड पे रखता हूँ और फिल्टर पेन को मैंने हाइड करके फिर पब्लिश कर दिया तो ये फिल्ट्रेशन जो लगा हुआ है इस पे ये वो रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस फिल्ट्रेशन इज मोर टूवर्ड्स फॉर डेवलपर पर्पज ओनली। ये डेवलपर्स के लिए ही फिल्टर्स होते हैं, ये यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू फिल्टर नहीं होते। यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू फिल्टर्स कौन से होते हैं? स्लाइसर्स विजुअल जो इजिली दिखाई देते हैं एज ए विजुअल्स, जिनको इजिली एक्सेस कर सकता है यूजर्स, चेंज कर सकता है उसमें से वैल्यूज। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिल्ट्रेशन को रिमूव कर दूंगा, ईयर के कॉलम को रिमूव कर दूंगा। सब कैटेगरी में ओके। सो मोटिव हमारा है कि मुझे टॉप 5 सब कैटेगरीज ही शो करनी है यहाँ पे। सो मैं सब कैटेगरी लेवल पे, यहाँ पे सब कैटेगरीज मुझे टॉप 5 शो करनी है। यहाँ पे मैं फिल्ट्रेशन लगा सकता हूँ टॉप एन, वी हैविंग टॉप एन ओवर हियर। मुझे आइटम्स कौन से शो करने हैं? टॉप के आइटम शो करने हैं या बॉटम्स के? सो वी आर इंटरेस्टेड इन टॉप। कितने शो करने हैं? लेट्स से 5 शो करने हैं। कौन से बेसिस पे करने हैं? दिस वी आर एनालाइजिंग ऑर्डर क्वांटिटी बाय सब कैटेगरी नेम, राइट? सो अगर मैंने ऑर्डर क्वांटिटी का एनालिसिस कर रहा हूँ तो ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर है उस मेजर को मुझे ड्रैग करके यहाँ पे डालना पड़ेगा बाय वैल्यू के सेक्शन। ठीक है, अप्लाइंग द फिल्टर। सी मुझे यहाँ पे 5 सब कैटेगरी शो होंगी, राइट? अगर मैंने यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन लगाया, लेट्स से कि मुझे इन सारे विजुअल्स को फिल्टर करना है तो वी हैव दिस स्लाइसर्स विजुअल। स्लाइसर्स विजुअल्स क्या करते हैं? बेसिकली हमें एक प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं कि मैं इस पर्टिकुलरली पेज के ऊपर, विजुअल के ऊपर या रिपोर्ट्स के ऊपर फिल्ट्रेशन अप्लाई करूँ। तो लेट्स से मैं पहला स्लाइसर्स क्रिएट करता हूँ ईयर का, मैं ईयर वाइज डेटा को फिल्टर आउट करना चाहता हूँ। स्लाइसर्स विजुअल्स ऑलवेज रेफरिंग कॉलम नेम, आपके जो कॉलम्स रहेंगे वो कॉलम्स को आप यहाँ पे ट्रैक करोगे तो उस कॉलम के अंदर की जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू रहेगी, यूनिक वैल्यूज रहेंगी, वो उनको शो करेगा यहाँ पर।
इसका फॉर्मेटिंग पेन अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ स्लाइस सेटिंग दिखती है। जैसे स्लाइसर सेटिंग में जाऊंगा तो स्टाइल जो रहेगा बिटवीन रहेगा, मतलब 2015 से 17 तक ऐसे बिटवीन की रेंज मिलेगी मुझे। अगर मुझे इसको वर्टिकली लिस्ट में देखना है या ड्रॉप डाउन सेक्शन में देखना है तो आई कैन चूज अकॉर्डिंगली। ड्रॉप डाउन मतलब विजुअल्स का साइज छोटा हो जाएगा और जो वैल्यूज रहेंगी वो ड्रॉप डाउन के फॉर्म में आएंगी। यहाँ जैसे मुझे 2016 के लिए देखना है तो आई सेलेक्ट 2016, तो ये जो विजुअल्स है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये स्लाइसेस विजुअल्स नॉर्मली किसके लिए होते हैं? ये एंड यूजर्स के लिए होते हैं, मतलब टू इंटरेक्ट विद दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स। आपने जो रिपोर्ट्स बनाए हैं उसमें इंटरेक्ट करने के लिए स्लाइसेस विजुअल्स को यूज किया जाता है। सो कॉमनली आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्लाइसेस विजुअल्स एंड फिल्टर विजुअल्स। बोथ आर बोथ बेसिकली बोथ जो क्राइटेरिया है उससे आप क्या कर रहे हो, एक एक्सटर्नल फिल्टर ही अप्लाई कर रहे हो। ये विजुअल जो है स्लाइसर्स, इस स्लाइसर से भी आप 2016 का फिल्टर ही अप्लाई कर रहे हो यहाँ। और इवन इन दिस फिल्टर पेन मैंने इस पेज के ऊपर 2016 का फिल्टर लगाया फिर भी आई गेट सेम आंसर्स। बट डिफरेंस क्या है दोनों में कि स्लाइसर्स क्या है, एक विजुअल है। स्लाइसर्स आपके डिफॉल्ट विजुअल्स में अवेलेबल एक विजुअल है, वैसे फिल्टर एक विजुअल नहीं है, वो एक ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, फिल्टर्स जो होते हैं वो मोर टूवर्ड्स क्या होते हैं, डेवलपर ओरिएंटेड होते हैं। ये फिल्टर्स पेन का यूज कौन करता है, डेवलपर्स करते हैं। कि अगर उनको डेटा के ऊपर कुछ हार्ड कोडिंग फिल्टरिंग करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। अभी लेट्स से कि क्लाइंट के पास 5 कंपनियों का डेटा रहेगा और आपने एक ही डेटा सोर्स रेफर किया है और वहां से आपने 5 कंपनियों का डेटा उठाया, लेकिन क्लाइंट को यहाँ पे पावर बी डेस्कटॉप में एक ही कंपनी का डेटा देखना है या पर्टिकुलर फील्ड उसको हाइड करनी है, तो वो उस टाइम पे फिल्टर पेन का यूज कर सकता है। जो कि वन टाइम आपने सेटिंग कर दिया, वन टाइम वो फिल्ट्रेशन लगा दिया, फिर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे फिल्ट्रेशन, हार्ड कोड फिल्ट्रेशन सब फिल्टर पेन के थ्रू लगाते हो। लेकिन इंटरैक्टिव जो फिल्टर होते हैं वो ऑलवेज थ्रू स्लाइसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कि यहाँ से यूजर्स फिल्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, उसको 2016 नहीं 17 देखना है 15 देखना है, वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है, राइट। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज स्लाइसर्स जो होते हैं वो स्लाइसर्स मोर फ्लेक्सिबल होते हैं देन फिल्टर्स। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि यूजर फ्रेंडली होते हैं। मैं यूजर फ्रेंडली कैसे बोल रहा हूँ कि जो एंड यूजर है, जो जो रिपोर्ट्स आपका कंज्यूम करने वाला है, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू स्लाइसर्स उसको यूज करने के लिए इजी है। इसलिए स्लाइसर्स आर मोर फ्लेक्सिबल, मोर यूजर फ्रेंडली देन फिल्टर्स। ठीक है, सो इनको मैं अरेंज कर रहा हूँ। लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट स्लाइसर, सो आई जस्ट कीप इट ओवर हियर। इसी स्लाइसेस को मैं कॉपी कर लूंगा एंड आई कीप इट ओवर हियर साइड बाय साइड। प्लस इसको कुछ फॉर्मेटिंग करना है मुझे, जैसे उसका बॉर्डर्स ऑन करने हैं, कुछ करना है, तो आई गो टू दिस जनरल ऑप्शंस, इफेक्ट, विजुअल बॉर्डर्स मैंने ऑन कर दी, शेडो मैंने ऑन कर दी, राइट। अगर मुझे कलर वगैरह कुछ चेंज करना है, सो बैकग्राउंड कलर करंटली व्हाइट है, इफ आई वांटेड टू चेंज समथिंग दिस वन और लेट्स से समथिंग लाइक दिस, लुकिंग गुड। अदरवाइज आई कैन चूज लेट्स से दिस वन डार्क वन, एंड इसके अंदर का जो ये नाम है ये मैं व्हाइट में कर सकता हूँ। सो कैसे करेंगे वो, गो टू द विजुअल्स, वैल्यूज, वैल्यूज का कलर में मुझे वाइट भी चाहिए। ठीक है, सो इट विल बी इन अ वाइट अगेन। सो ये वाइट में आ गया, लेकिन ये जो रहेगा ये मुझे ब्लैक में चाहिए। अभी ठीक है, वैल्यूज मुझे दिखती है, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंगली। अगेन दिस नेम फॉर स्लाइसेस आई नीड टू चेंज, अगेन गो टू दिस सेटिंग, स्लाइसेस हेडर, दिस नीड्स टू बी सो इसका फॉर्मेटिंग अगर मुझे कॉपी करना है, सो सिंपली आई सेलेक्ट दिस, गो टू द होम पेज, फॉर्मेट प्रिंटर्स एंड क्लिक ऑन दिस, इसका फॉर्मेटिंग, इसको कॉपी हो जाएगा, राइट। सो एक
एक स्लाइसर्स को सेम विजुअल्स रहेंगे, तो उस विजुअल को आप फॉर्मेटिंग कर लो, बाकी के विजुअल्स को आप डायरेक्टली उसका फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सो ईयर का जो, लेकिन दिस इज नॉट फॉर द ईयर, मुझे इसको चेंज करना है, सो अगेन आई रिमूव दिस ईयर कॉलम फ्रॉम ईयर एंड एडिंग मंथ नेम, ठीक है। मंथ नेम मैंने ऐड कर दिया जो मुझे वैल्यूज प्रोवाइड करता है, जनवरी फरवरी एंड सो ऑन। अगर देखो यहाँ पे ईयर का मैंने ड्रॉप डाउन किया तो कुछ ब्लैंक दिखता है, एंड अगेन मंथ का भी किया तो ब्लैंक दिखता है। इफ आई सेलेक्टिंग दिस ब्लैंक हैविंग सम वैल्यूज, दैट मींस समवेयर इन द डेटाबेस वहां पे डेट्स मेंशन नहीं है, बट फिर भी वैल्यूज है, डमी डेटा है इसलिए, राइट। अगर मुझे ब्लैंक्स को शो नहीं करना है, सो आई व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर विजुअल्स, ओपन द फिल्टर पेन, ड्रॉप डाउन इट, इन द एडवांस फिल्टरिंग आई कैन सेलेक्ट बेसिक फिल्टरिंग, एंड ओवर हियर आई कैन सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल एंड अनचेक फॉर ब्लैंक, ठीक है। तो मैं अगर इसको ड्रॉप डाउन करूंगा तो देखो अभी ब्लैंक नहीं शो करेगा मुझे, ब्लैंक जो आपने यहाँ से रिमूव कर दिया तो वो सब जगह से भी रिमूव हो गया है, ठीक है। अभी इस सेम वे मंथ नेम में भी मुझे ब्लैंक नहीं चाहिए, तो आई कैन अगेन गो टू दिस, आई सेलेक्ट दिस मंथ नेम, एक्सपांड इट, सेलेक्ट बेसिक फिल्टरिंग व्हिच इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, एंड आई सेलेक्ट ऑल एंड रिमूव द ब्लैंक, ठीक है। अगेन इफ आई ड्रॉप डाउन दिस मुझे ब्लैंक नहीं दिखेगा, ठीक है। अगेन इफ आई वांटेड टू ऐड सम मोर स्लाइसर, लाइक मुझे कंट्री का नाम भी यहाँ पे ऐड करना है, कंट्री वाइज अगर देखना रहेगा तो सिंपली आई कैन कॉपी दिस स्लाइसेस, पेस्ट इट, इंस्टेड ऑफ दिस मंथ नेम आई कैन पुट कंट्री नेम, कंट्री का नाम, लेट्स से दिस इज टेरिटरी एंड वी जस्ट दिस कंट्री नेम, ठीक है। कंट्री का नाम यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी, अंडरस्टैंड, ठीक है। मल्टीपल स्लाइसेस में अप्लाई कर सकता हूँ। अगेन लेट्स सी यहाँ पे इस कंट्री, लेट्स से कि मैंने कंट्री का स्लाइसेस यहाँ पे रखा हुआ है, वी आर एडिंग वन मोर स्लाइसेस, ठीक है। लेट मी ऐड वन मोर स्लाइसेस एंड देन आई कैन शोकेस यू, ओके। आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर टू क्रिएट वन मोर स्लाइसेस, दिस वन, ठीक है। सो लेट्स से कंट्री के जगह पे मैं कुछ और सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि कैटेगरी नेम, अगर मुझे पर्टिकुलर कैटेगरी के नेम के बेसिस फिल्ट्रेशंस करना है, सो आई कैन सेलेक्ट कैटेगरी, जैसे कि मैंने एक्सेसरीज को सेलेक्ट किया तो ऑल माय फिल्ट्रेशंस आर शोइंग मी रिजल्ट फॉर द एक्सेसरीज पर्पस। सो मैंने चार स्लाइसेस यहाँ पे क्रिएट किए, इफ यू ऑब्जर्व दिस कि ये स्लाइसेस के बीच का जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग अनइवन है, अगर मुझे इनका स्पेसिंग मेंटेन करना है तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट जो रहेंगे इनको अरेंज कर लूंगा, जैसे कि लास्ट वाला मुझे इस पोजीशन पे चाहिए, फर्स्ट वाला इस पोजीशन पे चाहिए, और बीच के जो रहेंगे उनको अरेंज करना है इक्वली स्पेस। सो आई कंट्रोल प्रेस करके मैंने सारे विजुअल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। एंड देन आई गो टू दिस फॉर्मेट ऑप्शंस, यहाँ पे देखो अलाइन ऑप्शंस है, सो इस अलाइन ऑप्शन को मैं अगर ड्रॉप डाउन करता हूँ तो मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, सो आई विल डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तब ये जितने विजुअल्स मैंने सेलेक्ट किए थे वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे विद इक्वल स्पेस, क्योंकि ये कब काम में आता है, जब हमें लेआउट बनाना होता है, हमें इक्वली स्पेस विजुअल्स दिखाने होते हैं, क्योंकि अनइवन स्पेसिंग रहेगा, अनइक्वल रहेंगे, तो वो दिखने के लिए व्हेन कि कोई यूजर आपका रिपोर्ट देखता है या कोई लीडर आपका या कंपनी का हायर मैनेजमेंट रिपोर्ट देखता है, सो दे डजंट लाइक दिस कि स्पेस अनइवन है, आपका रिपोर्ट्स प्रॉपरली लेआउट ठीक नहीं है, कलर कलर कोडिंग ठीक नहीं, ये चीजें भी बाद में देखी जाती है, ठीक है। बट अगेन दिस थिंग्स इज आफ्टर द योर एनालाइज, आपका एनालिस करने के बाद की चीजें है ये सब चीजें, ठीक है। मैंने चार स्लाइसेस यहाँ पे क्रिएट कर ले, नाउ लेट्स से कि मुझे एनालिसिस में कुछ केपीआईज बनाने हैं, राइट। केपीआईज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि केपीआईज क्या होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देखने के बाद मुझे मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जल्दी मिले। लेट्स से कि मैं इन स्लाइसेस को स्लाइस एंड डाइस कब करूंगा, लेट्स से मैंने 2016 सेलेक्ट किया एंड ऑल मैंने मंथ का सिलेक्शन किया, सो दिस बेसिकली फॉर अ डीप डाइव। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ईयर का डेटा देखना है, किसी पर्टिकुलर मंथ का देखना है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का देखना है, देन आई कैन यूज दो स्लाइसेस, बट इतना टाइम तो हायर लेवल मैनेजमेंट के पास होता नहीं, आपकी कंपनी के सीईओ या एमडी वगैरह होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है सो डीप डाइव करने का या इस रिपोर्ट के साथ इंटरेक्ट करते बैठने का, ठीक है। वो बेसिकली क्या देखते हैं, वो केपीआईज देखते हैं कि केपीआईज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है,
ठीक है। तो KPIs मतलब क्या होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे मैं फर्स्ट KPIs बनाने वाला हूँ, KPIs बनाने के लिए यहाँ पे हम मेनली कौन सी विजुअल्स यूज करते हैं, बेसिकली वी आर यूजिंग गार्ड विजुअल। गार्ड विजुअल इज यूज फॉर द KPIs। अगेन द नेक्स्ट विजुअल इज गॉट चार्ट। गॉट चार्ट मतलब विच मीन्स जैसे हमारा गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, राइट। हमारा गाड़ी का रेंज कितना होता है, लेट्स से कि 120 किलोमीटर उसका फाइनल रेंज है, लेकिन आपका गाड़ी अगर 60 के स्पीड से चल रहा है तो स्पीडोमीटर 60 पे दिखाता है, लेकिन रेंज उसके पास कितना है, 120 का। तो ऐसे कंसिडर करो कि 120 इज योर गोल एंड 60 इज योर प्रोग्रेस, ठीक है। सो गॉट चार्ट क्या शो करता है कि आपकी प्रोग्रेस टूवर्ड्स योर गोल की कितनी है, वो गॉट चार्ट आपको शो करता है कि लेट्स से कि मैंने अगर इस मंथ का देख रहा हूँ एंड मेरा टारगेट है, मेरा सेल की वैल्यू होनी चाहिए कि मेरे प्रीवियस मंथ का जो सेल रहेगा वो मेरा टारगेट रहेगा इस मंथ के लिए, कि मुझे एटलीस्ट उतना तो करना है, ठीक है। तो अगर लेट्स से कि आज 26 तारीख है, 26 ऑफ सितंबर, राइट, और मैंने टारगेट रखा है मेरा अगस्त का लेट्स से अगस्त का सेल मेरा हुआ था 100, सितंबर का चल रहा है और सितंबर के लिए टारगेट मैंने 100 का रखा है, और आज 26 से मंथ खत्म होने के लिए जैसे 4-5 दिन बाकी है, स्टिल आई एम शोइंग मेरा जो प्रोग्रेस है वो 60 या 70 मुझे दिखा रहा है, राइट। तो गोल अचीव करने के लिए अभी भी स्पेस बहुत है, 3-4 दिन में मेरे पास टारगेट बहुत बचा हुआ है। सो दैट कैन आई कैन क्रॉस चेक और दैट कैन आई कैन वैलिडेट कि मेरा जो गोल है, गोल सेटिंग है, वो फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है। सो गॉट चार्ट्स के बेसिस पे हम वो एनालाइज कर सकते हैं। अगेन थर्ड विजुअल इज KPI विजुअल्स। यहाँ पे देखो ये KPI विजुअल्स, नाम ही विजुअल्स का है, KPI विजुअल्स। तो उन KPI विजुअल्स को भी यूज किया जाता है एज अ KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मेनली KPI विजुअल्स को ज्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है, क्योंकि इनबिल्ट इसमें कुछ फंक्शनलिटी होती है जो आपको, जैसे कि अगर मेरा सेल अचीव हुआ है तो वो मुझे ग्रीन कलर्स में वैल्यूज दिखाएगा, अगर सेल अचीव नहीं हुआ है तो रेड कलर में हाईलाइट करेगा वैल्यूज को कि दिस इज नॉट अप टू द मार्क, ये गोल को उसने रीच नहीं किया हुआ, इस मंथ में आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ। ये सिंपली बाय सीइंग कलर ओनली यू कैन एबल टू अनलॉक, आपको वैल्यू भी देखने की जरूरत नहीं, बाय ओनली सीइंग द कलर की रेड कलर में शो कर रहा है, दैट मींस कि आपकी वैल्यू अचीव नहीं हुई है, देन यू कैन सी डिटेल व्हाट इज द वैल्यू, क्यों नहीं हुआ, देन यू कैन गो टू द डीप डाइव यूजिंग स्लाइस एंड डाइस, किसी पर्टिकुलर मंथ को सेलेक्ट करके इस मंथ में कम हुआ था या इस मंथ में ज्यादा हुआ था, इसको एनालाइज कर सकते हो यूजिंग दिस लाइसेंस ऑप्शंस। बट लेट्स यूज दिस KPI विजुअल्स। सो KPI विजुअल्स में आई एम चूजिंग द फर्स्ट KPI विजुअल्स, आई सेलेक्ट द KPI विजुअल्स। वंस आई सेलेक्ट द KPI विजुअल्स, यहां पे मुझे कुछ ऑप्शंस पुट करने के लिए मिलते हैं, जैसे कि वैल्यूज, सेकंड वन इज ट्रेंड एक्सिस एंड थर्ड वन इज योर टारगेट, ठीक है। सो इन आवर केस लेट्स से मैं एक मेजर बनाता हूँ, हमने ऑलरेडी मेजर बनाया हुआ, आई थिंक प्रीवियस मंथ का सेल का हमने एक मेजर बनाया था, राइट, प्रीवियस मंथ सेल्स का, जिसमें हमने डेट ऐड का एक फंक्शन यूज किया था जो हमें क्या कर रहा था, प्रीवियस मंथ का सेल दे रहा था। बेसिकली यहाँ पे मैंने ईयर पुट किया है, लेकिन यू कैन आई कैन चेंज इट टू द मंथ, कि जो मुझे प्रीवियस मंथ का मेजर दे या सेल दे बेसिकली, ठीक है। सो दिस मेजर गिव्स मी अ प्रीवियस मंथ सेल, सो आई कैन यूज दिस मेजर इज माई टारगेट, एंड माई करंट मेजर दैट इज गिव्स मी अ रेवेन्यू वैल्यू इज माई करंट कॉन्टेक्स्ट। सो लेट मी पुट द वैल्यूज ओवर हियर, ठीक है। सो लेट मी पुट दिस प्रीवियस मंथ का सेल इन माई टारगेट सेक्शन, ठीक है, एंड वैल्यू के सेक्शन में मैं पुट कर रहा हूँ मेरे रेवेन्यू को। सो दिस इज माई रेवेन्यू, दिस इज द रेवेन्यू, सो आई विल पुट वैल्यूज ओवर हियर। अगेन वन मोर वैल्यूज नीड्स टू पुट, दैट इज ट्रेंड एक्सिस। ट्रेंड एक्सिस मतलब मुझे जो वैल्यूज शोकेस करनी है उस KPI विजुअल्स में, उसमें मुझे एक्सिस कौन सा देना है। जैसे मैंने अगर वहां पे मंथ पुट किए तो वैल्यूज जो कैलकुलेट करने वाला है वो मंथ बेसिस पे कैलकुलेट करने वाला है। सो लेट मी पुट द मंथ नेम ओवर हियर एंड लेट्स सी कि व्हाट रिजल्ट्स दिस पर्टिकुलर विजुअल्स गिविंग अस, ठीक है। सो आई विल जस्ट कैलेंडर टीम को मैंने एक्सपांड किया एंड आई विल चूज दिस मंथ नेम एंड पुट दिस मंथ नेम ओवर हियर। सो देखो कुछ वैल्यूज मुझे ये KPI विजुअल में दिया है कि 2.20 मिलियन इज योर करंट सेल बट योर गोल इज 1.46 मिलियन। आपने गोल को अचीव किया है, सो दिस इज शोइंग इन अ ग्रीन टिक मार्क है। अगर गोल अचीव नहीं किया है, सो इट विल बी शोइंग इन अ रेड कलर। इसका फॉर्मेटिंग कहाँ पे होता है, लेट्स मी गो टू द फॉर्मेट ऑप्शंस, और इस ट्रेंड एक्सिस को आप जब ड्रॉप डाउन करते हो तो यहाँ पे वो ऑप्शंस आते हैं कि इस केस में अगर मेरी जो वैल्यूज है करंट वैल्यूज 2.20, ये अगर मेरे गोल से ज्यादा है तो मुझे वो ग्रीन कलर में शो कर दिए,
क्योंकि हमारे केस में हाई इज गुड राइट, बट ऑलवेज नॉट द केस दैट कि हाई इज गुड होगा. जैसे कि आप एक्सीडेंटल केसेस का एनालिसिस कर रहे हो राइट, सो उस केस में आपने टारगेट सेट किया है कि अगस्त मंथ में जितने एक्सीडेंट हुए हैं उससे कम एक्सीडेंट इस मंथ में होने चाहिए राइट. अगर मैंने वहां पे हाई इज गुड किया तो दिस विल बी गिव्स अ रॉन्ग पर्सपेक्टिव राइट. हमारा मोटिव क्या था कि एक्सीडेंट कम करना था ना कि बढ़ाना. तो उस केस में मेरे लिए क्या है कि लो इज गुड है, अंडरस्टैंड हो रहा है. तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हाई इज गुड मैं लो इज गुड सेलेक्ट करूंगा एंड अकॉर्डिंगली कलर मेंशन करूंगा कि अगर वो मेरे टारगेट को उसने अचीव नहीं किया है तो इट इज गुड फॉर मी. ठीक है, सो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, एनालिसिस टू एनालिसिस, कि आप क्या चीज का एनालिसिस कर रहे हो और आपको उसमें हाई की वैल्यू गुड है या लो की वैल्यू गुड है. सो आपको यहाँ पे डिपेंड अपॉन यूर सिचुएशन एनालिसिस आपको ये चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, हमारे केस में हाई इज गुड इज फाइन, देन दिस विल शोकेस मी इफ माय गोल इज अचीव इट विल बी शोकेसिंग मी इन अ ग्रीन कलर 2.20. ठीक है, इसके नाम को थोड़ा चेंज करते हैं. लेट्स से कि मैं यहाँ पे उसको नाम दे रहा हूँ इंस्टेड ऑफ दिस दिस बिग नेम, मैं इसमें कुछ नाम दे रहा हूँ. लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस टोटल रेवेन्यू इन ऑल दिस थिंग्स, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कि मंथली मंथली रेवेन्यू. ठीक है, मंथली रेवेन्यू ऐसे मैं नाम पुट किया इसको. लेट मी अरेंज इट लिटिल बिट. ऑल्सो दिस केपीआई विजुअल्स मुझे क्या शो कर रहा है, दिस केपीआई विजुअल्स मुझे शो कर रहा है कि टारगेट से मतलब मेरा गोल जो था 1.46 मिलियन उससे 50.57% ज्यादा हुआ है. यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है, प्लस 50. कितना परसेंटेज ज्यादा हुआ है एक्चुअल सेल आपका वो दिखा रहा है. बट ये 2.20 वैल्यू आई कहाँ से, ये कौन सी वैल्यू शो कर रहा है, ये हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा राइट. लेट से मैंने यहाँ पे एक ईयर सेलेक्ट किया, लेट से मैंने 2017 सेलेक्ट किया, वैल्यूज मुझे ये शो कर रहा है 1.83 मिलियन. ठीक है, सो ये 1.83 मिलियन क्या है एंड 1.77 मिलियन क्या है ये अंडरस्टैंड करते हैं. लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज एंड यहाँ पे मैं एक विजुअल क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने ईयर को लिया, क्रिएट टेबल विजुअल्स, और मैंने मंथ नेम को लिया. ठीक है, आई डोंट वॉन्ट दिस टू बी समराइज एंड देन आई कैन लेट्स पुट रेवेन्यू ओवर ईयर, माई रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू. ठीक है, मेरा टोटल रेवेन्यू को पुट किया एंड प्रीवियस मंथ का सेल मैंने पुट किया जो हमारा टारगेट था. नाउ सी लेट्स सी अप्लाइंग दिस, just copy this year measure which we applied for the 2017. So I'll copy this, go to the next page and paste it over here. ठीक है, एक विंडो मुझे पॉप अप करेगा सिंक विजुअल्स का. इसका ये कहना है कि पेज वन पे जो ईयर का स्लाइसर था जिस पे 2017 का फिल्टर लगा हुआ है, अगर आपको ये सेम फिल्ट्रेशन लेके यहाँ पे ये विजुअल कॉपी करना है क्या, इन शॉर्ट अगर मैंने पेज टू पे इसको सिंक कर दिया तो ये जो स्लाइसर विजुअल है जो 2017 की वैल्यू शो कर रहा है, अगर इसमें मैंने बाद में चेंजेस किया 2018 किया तो पेज वन पे भी 2018 हो जाएगा ऑटोमेटिकली. अगर मैंने पेज वन पे 2016 कर दिया तो पेज टू पे भी 2016 हो जाएगा. मतलब दो स्लाइसर्स है, दो विजुअल्स है, वो एक दूसरे के साथ सिंक हो जाएंगे. ठीक है, ये कभी कभी हमें पूछते हैं इंटरव्यू में, सिनेरियो देते हैं कि लेट्स से आई एम हैविंग मल्टीपल पेजेस और मुझे एक पेज के ऊपर का फिल्ट्रेशन बाकी के पेजेस के ऊपर ट्रांसफर करना है तो कैसे करें, तो सिंक स्लाइसर्स के थ्रू वो कर सकते हैं. आपको सेम जो विजुअल्स रहेंगे वो सेम विजुअल्स सभी पेजेस के ऊपर कॉपी करने पड़ेंगे एंड देन सिंक स्लाइसर्स को ऑन करके विजुअल्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवा सकते हो. ठीक है, सो अभी टाइमिंग के लिए मैं सिंक कर रहा हूँ इसको. तो 2017 का जो विजुअलाइजेशन है, लेट्स सी यहाँ पे वैल्यूज क्या शो कर रहा है. ठीक है, हमारा जो विजुअल था केपीआई विजुअल्स वो वैल्यू शो कर रहा है 1.83 मिलियन. ठीक है, 1.83 मिलियन की वैल्यूज मुझे शो कर रहा है डिसेंबर 2017 में. जून मंथ का जो मेरा सेल है दिस वन 1.826 जो है दिस इज 1.83 मिलियन. इन शॉर्ट केपीआई विजुअल्स जो होते हैं, केपीआई विजुअल्स में मंथ लेटेस्ट जो मंथ रहेगा, आपने ट्रेंड एक्सिस में क्या डाला है, मंथ नेम डाला है राइट. सो उस पर्टिकुलर ईयर में जो मेरा लेटेस्ट मंथ रहेगा, लेटेस्ट मतलब मैक्सिमम मंथ, 2017 में हमारे पास डेटा जून तक ही है, जून हमारा 2017 में मैक्स मंथ है. ठीक है, अगर मैं करंट मंथ की बात करता, लेट्स से कि मैंने 2024 वहां पे सेलेक्ट किया होता 2024, तो 2024 का सितंबर मंथ ही वो कंसीडर करता लेटेस्ट मंथ मैक्स मंथ.
उस मैक्स मंथ को प्रीवियस मंथ के साथ वो कंपेयर करेगा। अगर मैंने 2017 को सेलेक्ट किया है, मैंने ईयर सेलेक्ट किया है, मैंने कोई स्पेसिफिक मंथ सेलेक्ट नहीं किया, तो मैक्स मंथ पकड़ेगा वो दिसंबर, उसको कंपेयर करेगा नवंबर के साथ। तो नवंबर का सेल कितना है मेरा, 1.7683 समथिंग कुछ है। सो राउंड फिगर अगर मैं करूंगा तो 1.77 आ जाएगा। सो जून को वो कंपेयर कर रहा है मई के साथ। लेट मी ऐड दिस मंथ नेम स्लाइसेस आल्सो ओवर हियर। लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे मंथ नेम फरवरी का लगाया, राइट, लेट्स से मैंने 2017 का फरवरी मंथ की बात कर रहा हूँ, तो ये विजुअल मुझे क्या शो कर रहा है कि 2017 के फरवरी मंथ का सेल है 1.34 मिलियन, 2017 के जनवरी मंथ का, उसका प्रीवियस मंथ का सेल है 1.27 मिलियन। ठीक है, अगर मैंने इसको क्रॉस चेक करना है तो सिंपली आई क्या, मैं कॉपी कर रहा हूँ इस विजुअल को, मंथ नेम के स्लाइसेस को, एंड पेस्ट इट ओवर हियर, जस्ट सिंक इट। सी टोटल रेवेन्यू कितना है, 1.33 है, और प्रीवियस मंथ का कितना है, 1.27, राइट। सो मतलब मेरा जो KPI विजुअल्स क्या करता है, ऑलवेज शोकेसिंग मी वट एवर आई पुट इन द ट्रेंड एक्सिस। ट्रेंड एक्सिस में मैंने मंथ नेम को पुट किया हुआ है, तो किसी भी ईयर का लेटेस्ट मंथ जो होगा, मैक्स मंथ जो होगा, उस मंथ को वो यहाँ पे शो करेगा। और टारगेट में मैंने जो वैल्यूज प्रोवाइड से कि मैंने प्रीवियस मंथ का सेल टारगेट में पुट किया, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर का प्रीवियस मंथ वो मुझे शोकेस करेगा यहाँ पे। दैट्स व्हाट दिस KPI विजुअल्स डू। जैसे मैं यहाँ पे सेल्स को कंपेयर कर रहा हूँ, वैसे मैं ऑर्डर क्वांटिटी को कंपेयर कर सकता हूँ, राइट, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट कि मेरी टारगेटेड ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। सेम वे मैं रेवेन्यू रिटर्न्स के लिए भी ये KPI बना सकता हूँ। सो आई जस्ट क्रिएट दिस, मैं मंथली रेवेन्यू के बाद KPI बना रहा हूँ फॉर द रिटर्न। रिटर्न के लिए हमारे पास तीन मेजर, दो मेजर्स की होनी जरूरी है। मैं रिटर्न्स की क्वांटिटी मुझे पता होनी चाहिए, या वो मेजर मेरे पास होना चाहिए, एंड देन प्रीवियस मंथ का रिटर्न का एक मेजर होना चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ रिटर्न की क्वांटिटी का, तो हमारे पास वो मेजर नहीं होगा। लेट मी क्रिएट दिस। सो मैं कैलकुलेशंस में जाऊंगा, न्यू मेजर्स, रिटर्न की क्वांटिटी हमें कहाँ से मिल सकती है, हमारे पास जो रिटर्न का टेबल है जिसमें रिटर्न क्वांटिटी का एक कॉलम है, अगर मैं उस कॉलम की सम ले लूँ तो आई गेट रिटर्न क्वांटिटी, टोटल रिटर्न क्वांटिटी। वंस आई गॉट दिस टोटल रिटर्न क्वांटिटी, सो यूजिंग डेट एड फंक्शंस मैं प्रीवियस मंथ की टोटल रिटर्न क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, सो मेजर्स को नाम दे रहा हूं मैं, टोटल रिटर्न क्वांटिटी इज इक्वल टू सम ऑफ रिटर्न क्वांटिटी, रिटर्न आई सेलेक्ट रिटर्न, तो रिटर्न टेबल के रिगार्डिंग जितने कॉलम से हो जाएंगे, आई सेलेक्ट रिटर्न का क्वांटिटी, हिट एंटर, हैविंग दिस टोटल रिटर्न क्वांटिटी का मेजर्स। सो यूजिंग दिस मेजर्स आई कैन क्रिएट वन मोर मेजर्स व्हिच गिव्स मी अ प्रीवियस मंथ रिटर्न। ठीक है, उसमें अगेन आई कैन यूज डेट ऐड फंक्शन। डेट ऐड फंक्शंस में क्या होता है कि मैं टाइम्स में आई कैन शो कर सकता हूँ, इंटरवल दे सकता हूँ कि मुझे -1 पीछे जाना है, +1 आगे जा, +1 आगे के लिए, माइनस पीछे जाने के लिए, इंटरवल आई कैन प्रोवाइड इन मंथ, ईयर, क्वार्टर, इन अ डे। ठीक है, अगेन डेट ऐड फंक्शंस के ऊपर आपको सिनेरियो भी दिए जा सकते हैं कि लेट्स से कि आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कि लेट्स से कि मेरे पास 1 to 30, 30 दिन का सेल है मेरे पास, एक तारीख से लेके 30 तारीख तक का सेल है मेरे पास, अगर मुझे 2 दिन पहले का सेल निकालना है तो हाउ कैन वी कैलकुलेट। 2 दिन पहले का सेल अगर निकालना है, इट मीन्स 30 को 2 दिन के पहले, मतलब 28 तारीख, राइट, तो 28 तारीख का सेल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो दिस कैन बी अचीव यूजिंग डेट ऐड फंक्शन। डेट ऐड में आपको क्या पास करना पड़ेगा, जो मेजर्स -2 एंड इंटरवल शुड बी इन डे, नॉट इन मंथ और ईयर। ठीक है, सो अगेन आई क्रिएट वन मोर मेजर्स व्हिच गिव्स मी अ प्रीवियस मंथ। ठीक है, न्यू मेजर्स में आई पुट प्रीवियस मंथ ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, आई विल नेम इट प्रीवियस मंथ रिटर्न क्वांटिटी व्हिच इज नथिंग बट कैलकुलेट, राइट, वी नीड टू यूज कैलकुलेट फंक्शंस, दैट्स इज अ फिल्टर फंक्शंस, वी नीड टू यूज कैलकुलेट इन ऑर्डर टू अप्लाई सम फिल्ट्रेशंस। फिल्ट्रेशंस ऑन व्हाट, दिस टोटल रिटर्न क्वांटिटी का मेजर के ऊपर, मुझे टोटल रिटर्न क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, बट किसके लिए कैलकुलेट करनी है, फॉर द प्रीवियस मंथ करनी है। सो अगेन आई पासिंग कैलेंडर की डिम का डेट,
as my first argument, number of interval should be -1, and in terms of month is my interval. So this can use me a previous month or return quantity basically. Okay, again I'll just copy this month revenue, monthly revenue ka jo humne KPI banaya tha, main us KPI ko copy kar dunga, and I'll just changing the values from values and the target sections, right? So let's copy this. Okay, so I'll just remove this total revenue and this previous month sales, and instead of this I can add this previous month return in the target section. So previous month return in the target section, and the total return quantity, this total return quantity in my value sections. Okay, again this name should be not the monthly revenue, this main should be monthly return quantity, right? So in the title I can rename this monthly return quantity. Okay, understand? Again, if I'm let's say maine yahan pe select kiya something, let's 16, it's not changing, it is not changing. Let me check with my return fact. Okay, why it is not filtering? Because my return facts is not connected with my calendar date, that's why. So my calendar date column should be connected with this return date. So I'll make this relationship active, return date, though both dates columns are selected, save. Once relationship is active, now if I go to this report view and again see, now this figures are changing and showcasing me the actual values. ठीक है, जैसे हमने monthly revenue calculate किया, monthly return quantity calculate किया, वैसे हम order quantity के लिए भी इसको calculate कर सकते हैं, right? ठीक है, so आप उसको try कर सकते हो खुद order quantity के लिए. I'll create showcasing you one more type which is using a card visuals. So basically when I selected the card visuals gives me a single scalar value, right? So whenever I put something over here, let's say कि मैंने एक major यहाँ पे put किया revenue using some x, so वो major का value जो रहेगा वो value मुझे ये देगा. ठीक है, अगर मुझे मैंने कोई दूसरा value put किया, let's say मैंने total cost को put करने की कोशिश की यहाँ पे, तो पहले वाला जो था उसको निकाल देगा, total cost को ले लेगा, because this is a single card visual. ये कार्ड विजुअल्स का काम ही होता है कि आपको एक एक सिंगल स्केलर वैल्यू देगा और एक ही जो एट्रीब्यूट होगा वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब एक ही मेजर की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा. आपको अगर मल्टीपल मेजर शो करना है, जैसे कि मुझे लेट्स से टोटल कॉस्ट भी शो करना है, टोटल प्रॉफिट भी शो करना है, टोटल सेल भी शो करना है, सो इन दैट केस आई कैन यूज मल्टी कार्ड. यहाँ पे देखो कार्ड की साइड में मल्टी कार्ड है. मल्टी कार्ड का यूज क्या है कि मैं यहाँ पे फील्ड के सेक्शन में मल्टीपल मेजर्स को पुट कर सकता हूँ. जैसे टोटल कॉस्ट है, आई कैन ड्रैग टोटल प्रॉफिट, आई कैन ड्रैग लेट्स से कि मैं क्यूटीडी सेल्स को भी यहाँ पे डाल रहा हूँ. सो दिस कैन बी गिव्स मी एबिलिटी टू शोकेस मल्टीपल मेजर्स इन वन पर्टिकुलर विजुअल्स, राइट? लाइक अ केपीआई, मैं केपीआई के तौर पे इनको शोकेस कर सकता हूँ. ठीक है, अगेन आई एम यूजिंग अ सिंगल कार्ड विजुअल्स एंड माई मोटिव इज मुझे यहाँ पे शो करना है कि जो मेरा टॉप का प्रोडक्ट है, लेट्स से कि मेरा कोई प्रोडक्ट जो जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे शोकेस करना है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट जिसका है वो प्रोडक्ट है. तो उसको शोकेस करने के लिए पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस कार्ड विजुअल में डालना क्या है, इस फील्ड के सेक्शन में मुझे क्या डालना है. ठीक है,
सो फील्ड के सेक्शन में ऑलवेज हम कौन सी वैल्यू पुट करते हैं कि जो वैल्यू हमें शोकेस करनी है। हम इंटरेस्टेड किस में, हम प्रोडक्ट के नाम में इंटरेस्टेड है, राइट। मुझे प्रोडक्ट का नाम देखना है, सो मैं प्रोडक्ट के नाम को उस कॉलम को लेता हूँ। दिस इज माई प्रोडक्ट नेम, मैंने प्रोडक्ट नेम के कॉलम को लिया, यहाँ पे डाल दिया। बाई डिफॉल्ट वो मुझे शोकेस कर रहा है ऑल पर्पज बाइक स्टैंड, कुछ नाम दे रहा है। लेट मी गो टू द पेज टू, एंड यहाँ पे मैंने अगर एक उस प्रोडक्ट नेम का जो मेरा कॉलम है उसको अगर मैंने यहाँ पे जस्ट डाला, तो देखो बाय डिफॉल्ट ये प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है वो एक टेक्स्ट कॉलम है, तो वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट होगा, राइट। अल्फाबेटिकली सॉर्ट हुआ तो ए मतलब ए से आने वाले प्रोडक्ट सबसे ऊपर रहेंगे, सो उस लिस्ट में से ऑल पर्पज बाइक स्टैंड ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है। जो कार्ड विजुअल होता है वो हमें ऑलवेज सिंगल आउटपुट देता है, तो अगर मैंने उसमें कोई कॉलम पुट किया हुआ है तो वो उस कॉलम के अंदर का पहला वैल्यू जो होगा, अगर आपने लेट से न्यूमेरिक कॉलम पुट किया हुआ है तो अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी वो आएगी। लेट से कि एक कॉलम है जिसमें 1 to 10 की वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, उस कॉलम को आपने कार्ड विजुअल में ड्रैग किया तो वैल्यूज आपको देगा 1, क्योंकि 1 सबसे ऊपर है फर्स्ट वैल्यू। अगर आपने कोई टेक्स्ट कॉलम पुट किया तो अल्फाबेटिकली सॉर्ट होने के बाद जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी, जैसे हमारे केस में ऑल पर्पज बाइक स्टैंड, ये वैल्यू आ रही है अल्फाबेटिकली सॉर्ट करने के बाद, तो वो वैल्यू का आउटपुट आपको देगा। लेकिन ऑल पर्पज बाइक स्टैंड ये मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि ऐसा प्रोडक्ट का नाम चाहिए जिसका प्रॉफिट हाई है, राइट। तो अगर मैं पेज टू पे जाऊँ वापिस, यहाँ पे अगर मैं इसको फिल्ट्रेशन करना चाहूँ, तो मैं मुझे कौन से फिल्ट्रेशन लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। लेट मी रिमूव दिस ईयर एंड दिस फिल्ट्रेशन। तो बेसिकली लेट्स से कि इस विजुअल के ऊपर मुझे फिल्ट्रेशन कौन से लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे प्रॉफिट को लेके आना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, टॉप एंड वगैरह फिल्ट्रेशन लगाना पड़ेगा। तो सेम फिल्ट्रेशन मैं अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पे पेज वन के ऊपर। सो व्हाट आई कैन डू, मैं इस कार्ड को सेलेक्ट करूंगा, गो टू दिस फिल्ट्रेशन पेन। इस फिल्ट्रेशन पेन में देखो फर्स्ट प्रोडक्ट नेम, ये हमने जो यहाँ पे फील्ड पुट की हुई है वो यहाँ पे मुझे शो करेगी। मुझे फिल्ट्रेशन लगाना है प्रोडक्ट नाम के ऊपर, सो मैं अगेन आई विल ड्रैग दिस प्रोडक्ट नेम, अगेन आई ड्रैग दिस प्रोडक्ट नेम एड टू दिस विजुअल लेवल। मैं इसी पर्टिकुलर विजुअल के ऊपर फिल्ट्रेशन लगाना चाहता हूँ, मैं इस पेज के ऊपर या ऑल पेजेस के ऊपर लगाना नहीं चाहता, इसलिए आई विल ड्रैग टू द फिल्टर ऑन दिस विजुअल। ठीक है, प्रोडक्ट नेम के ऊपर पहला ऑप्शन आएगा बेसिक फिल्टरिंग, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बेसिक फिल्टरिंग, सो वी आर इंटरेस्टेड इन टॉप एन, राइट। मुझे टॉप वन मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट चाहिए, सो आई विल सेलेक्ट टॉप वन। किसके बेसिस पे चाहिए, प्रॉफिट के बेसिस पे चाहिए, सो अगेन आई विल सर्च फॉर माय प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, इसको ड्रैग करूंगा और बाय वैल्यू की सेक्शन में मैंने पुट कर दिया एंड सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई फिल्टर। सो दिस इज माय आउटपुट, माउंटेन ब्लैक 46, दिस प्रोडक्ट हैविंग हाईएस्ट प्रॉफिट। अगर मुझे क्रॉस चेक करना है सो अगेन आई गो टू द पेज टू, प्रोडक्ट नेम के साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर विजुअल्स में टोटल प्रॉफिट को भी ट्रैक कर रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर विजुअल्स मुझे क्या शो कर रहा है, प्रोडक्ट के नाम शो कर रहा है, प्रॉफिट शो कर रहा है। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग हम इस छोटे से एरो पे मैंने क्लिक किया तो इसको डिसेंडिंग कर देगा ये। देखो सबसे ऊपर क्या है, माउंटेन 200 ब्लैक 46 जिसका प्रॉफिट है 645210 सबसे ज्यादा। तो ये आउटपुट मुझे यहाँ पे दे रहा है ये कार्ड विजुअल। अगेन दिस इज नॉट लिमिटेड टू समथिंग लाइक दैट कि ओवरऑल मुझे दे रहा होगा, नहीं। लेट से कि मैंने यहाँ पे ईयर का फिल्ट्रेशन लगाया 2016, लेट से मैंने मंथ का फिल्ट्रेशन लगाया फरवरी, लेट से मैंने कंट्री का फिल्ट्रेशन लगाया कनाडा, तो देखो ये चेंज हुआ। तो अगर मैंने इन तीन क्राइटेरिया के लिए देखा तो इन तीन क्राइटेरिया के लिए माउंटेन ब्लैक 42 ये प्रोडक्ट का प्रॉफिट हाइएस्ट है। ये डायनेमिकली चेंज हो रहा है, आपका डेटा बैकएंड में वैसे फिल्टर आउट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये फिल्ट्रेशन कैसे लग रहा है इसके ऊपर। लेट मी रिड्यूस सम फॉन्ट इसको, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस नेम, गो टू दिस फॉर्मेटिंग, आई डोंट वांट दिस कैटेगरी लेबल्स, इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन ऑन अ टाइटल। टाइटल में मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से टॉप प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट,
राइट, ऐसा नाम दे सकते हैं इसको। ठीक है, सो दिस कैन बी वन ऑफ माय केपीआईज जो मुझे ऑलवेज शो करे कि मेरा टॉप का प्रोडक्ट कौन सा है। देन अगेन वन ऑफ माय केपीआईज आल्सो हो सकता है कि मुझे जैसे मैंने टॉप का प्रोडक्ट देखा है ये, मुझे उस प्रोडक्ट की इंटरेस्ट, मुझे देखना है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। जैसे कि ये कार्ड विजुअल मुझे शो कर रहा है कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, लेकिन मुझे उस प्रोडक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी भी देखनी है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं सिंपली इस विजुअल को पुट करूंगा, कॉपी करूंगा। नाउ फॉर द कार्ड विजुअल्स, इस फील्ड सेक्शन के अंदर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा। इस टाइम पे मैंने जैसे बोला कि वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट वी नीड टू शोकेस इन कार्ड विजुअल, राइट। पहले हमें प्रोडक्ट का नाम शो करना था, इसलिए हमने फील्ड सेक्शन में प्रोडक्ट के नाम को ट्रैक किया। अभी हमें ऑर्डर क्वांटिटी शो करनी है प्रोडक्ट की, तो फील्ड सेक्शन में हमें ऑर्डर क्वांटिटी को पुट करना पड़ेगा, राइट। सो सिंपली आई ड्रैग दिस ऑर्डर क्वांटिटी, माय ऑर्डर क्वांटिटी। सो उस प्रोडक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 301 है। ठीक है, अगर मुझे क्रॉस चेक करना रहेगा तो सिंपली आई कैन ड्रैग ऑर्डर क्वांटिटी ओवर हियर। बेसिकली मैंने मेजर नहीं बनाया ऑर्डर क्वांटिटी पर, यू कैन क्रिएट मेजर। सो सी दिस माउंटेन ब्लैक 246 की ऑर्डर क्वांटिटी 301 है। सो दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर कार्ड गिव्स अस आउटपुट। इस केस में फिल्ट्रेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि फिल्ट्रेशन हमें सही रिजल्ट दे रहा है कि दिस इज द प्रोडक्ट प्रॉफिट हाईएस्ट होने का। इस कार्ड विजुअल पे ऑर्डर क्वांटिटी 301 शो करने के लिए भी हमें सेम फिल्ट्रेशन ही लगाना पड़ेगा कि मुझे टॉप का प्रोडक्ट फिल्टर आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और उसका ऑर्डर क्वांटिटी शो करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो आई विल जस्ट रीनेम दिस टाइटल्स बिकॉज़ इट इज नॉट अ टॉप प्रोडक्ट ऑर्डर क्वांटिटी। वी ऐड अ ऑर्डर क्वांटिटी बाय प्रॉफिट। ठीक है, तो लेट मी सम डू द फॉर्मेटिंग, लेट मी गो टू द जनरल, आई गो टू द इफेक्ट ऑन सम बॉर्डर्स लेवल सम दिस, जस्ट कॉपी दिस फॉर्मेट एंटरिंग दिस वन आल्सो। ठीक है, अंडरस्टैंड है, समझ में आ रहा है? राइट, लेट मी ड्रैग इट ओवर हियर। Also some more card visuals when we can create, let's say कि मुझे यहाँ पे revenue की value, cost की value and profit की value भी show करने। So again I can use card visuals, जैसे कि this card visuals is there, इसमें मैं order quantity को put कर दूँगा, this gives me a total order quantity, right? So instead of total order quantity I can put a revenue, my total revenue. So I'll just drag this total revenue. So it gives me a total revenue, and along with total revenue also I wanted to see my cost. So यहाँ पे मैं दूसरा एक कार्ड बनाऊंगा जिसमें मैं total cost का जो हमारा measure है उसको मैं put कर दूंगा, जो gives me a total cost. So my revenue is 9.32 million, my cost is 5.36 million. So profit कितना हुआ basically? Revenue minus cost, this is my profit, right? So I'm out of space now. So otherwise I can create one more card which is showcasing me a profit. Fine, clear yahan tak? Theek hai, so this is what the summary page we created. Another one page we can develop tomorrow for the customer analysis. We do a customer analysis, trying to do create some reports or create some visuals based upon customer oriented analysis. Like hame dekhna hai ki kaun se customer ki kitni order quantity hai, कस्टमर वाइज हमें प्रॉफिट शोकेस करना है, ऑर्डर क्वांटिटी शोकेस करनी है। ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू डू सम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर मुझे एक कंडीशन देके कुछ आइकॉन के बेसिस पे मुझे हाईलाइट करनी है कुछ चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स विजुअल्स में अगर मुझे ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे कोई कंडीशन पुट करनी है कि अगर ऑर्डर क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 500 के ऊपर हो तो वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो, या ग्रीन कलर का कुछ आइकॉन आ जाए वहां पे, थंब आ जाए रेड, या ग्रीन कलर का फ्लैग आ जाए कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट शोकेसिंग मी अ गुड रिजल्ट्स। बट अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी लेट्स से बिलो 10 है
तो उनको मुझे हाईलाइट करना है। तो बाय सीइंग टोटल टेबल वन बाय रो, सिंपली आई सी कैन सी द आइकॉन्स ऑल्सो। तो उस आइकॉन से भी मुझे पता चलेगा कि वेयर आई नीड टू फोकस, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी क्यों कम है, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट मार्केट में नहीं है, या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंपटीटर्स की प्राइस लो है कंपेयर टू अवर प्राइस। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी कम होना, राइट? तो उस हिसाब से कंपनी फिर डिसीजन ले सकती है कि वो उस कंपनी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कम कर सकती है, या उसमें उधर कोई इनोवेशन की जरूरत है उसको इनोवेट कर सकती है, राइट? डिजाइन चेंजेस की जरूरत है डिजाइन चेंज कर सकती है, व्हाटएवर कंपनी डिसाइड कर सकती है टू इंक्रीज दिस प्रोडक्टिविटी और ऑर्डर क्वांटिटी। Fine. So this analysis we can do for tomorrow's lecture, same time. Fine. Great then. चलो फिर मिलते हैं अपन कल।